السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. शेख मेरे एक सवाल है दो सवाल है एक से कनेक्टेड के शेख आपका सुना था मैं के चांदी अपना कैश जो हमारे पास होता है उसको चांदी पे कैश किया जाए तो जो यहाँ पर मैंने पूछा था अपना मकामी क्रम से तो वो बोल रहे कि करंसी जो है वो सोने के बदल है चांदी के बदल तो है ही नहीं तो कैश को सोने पे ही किया जाएगा चांदी के लिए कोई ऐसी दलील मिलती नहीं है शेख तो थोड़ा कंफ्यूजन है दिल में इतमान नहीं हो रहा शेख थोड़ा कुछ दलील अगर इसकी मिल जाती तो थोड़ा इतमान हो जाती जी बिल्कुल बहुत अच्छा देखिए हालिया करंसी है पूरी दुनिया की चाहे इंडिया का रुपया हो अमेरिका का डॉलर हो सऊदी का रियाल हो या दुनिया के किसी भी मुल्क की जो करंसी है आ, वो करेंसी ये सोने और चांदी के कायम मकाम है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो सोना और चांदी होता था बतौर करंसी वही इस्तेमाल होता था बतौर कीमत सोना और चांदी इस्तेमाल होता था सोने का दीनार होता था चांदी का दिरहम होता था और ये दोनों ही करंसियां थी दोनों बतौरे करंसी इस्तेमाल होती थी तो मौजूदा जमाने में दुनिया के किसी मुल्क की जो करेंसी है जाहिर है करेंसी कीमत है करंसी को हम बतौर कीमत इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कीमत सोने और चांदी के कायम मकाम होगी क्योंकि दोनों के दरमियान इल्लत और सबब और रीजन एक ही है और वो है समनियत कीमत होना तो कीमत होना ये इल्लते जामिया है सोना चांदी और करंसी के दरमियान तो सोने और चांदी में बहसी करंसी के कोई फर्क नहीं है जैसे सोना करंसी है वैसे चांदी भी करंसी है ठीक है तो लिहाजा यह कहना कि रुपया पैसा ये सोने के कायम मकाम है चांदी के कायम मकाम नहीं है यह बात बिल्कुल गलत है और इसे किसी ने नहीं कहा है इसे किसी ने भी नहीं कहा है कि रुपया ये सिर्फ सोने के कायम मकाम है चांदी के कायम मकाम नहीं है यह पहली बात दूसरी दूसरा मसला यह आएगा कि जो जिसके पास करंसी है हालिया करंसी आ उसकी जक़ात निकालने के लिए या उसका निसाब जानने के लिए उसकी कीमत वो क्या सोने से लगाएगा या चांदी से लगाएगा क्योंकि हमारे सामने सोना भी करंसी है चांदी भी करेंसी है और दोनों के कायम मकाम है रुपया तो किससे वो कीमत लगाएगा दोनों तरह के अकवाल वलमा के मौजूद है इस सिलसिले में लेकिन चूंकि ये एक नया मसला है जाहिर है करेंसी पहले जमाने में तो नहीं थी अब अगर करंसी के बारे में आप किसी हदीस में ढूंढने लगेंगे तो वहां पर करंसी का जिक्र थोड़ी मिलेगा कुरान और हदीस में ये करंसी तो अभी आई है तो इसका मतलब ये एक नया मसला है अब सवाल ये है कि उसको किससे किससे उसकी कीमत लगाई जाए सोने से कि चांदी से ये यह फी मसला है उलमा के दरमियान बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उसको सोने से कीमत लगाएं बहुत सारे उलमा ने कहा है चांदी से कीमत लगाएं चांदी से कीमत लगाने को मैं भी राजे समझता हूं और उसकी वजह है उसकी दलील है उसकी दलील यह है कि जकत के जो की जो हमतें हैं जक़ात के जो मकासद हैं जकवात की जो मसलाहतें हैं उनमें एक बहुत बड़ा मकसद जकत के मकासद में एक बड़ा मकसद है मुासातुलफ़रा फकीरों की हम हमनवा फकीरों की मदद करना उनकी मुआसात करना जाहिर है जकत के बाद में जक़ात का एक बड़ा मकसद है गरीबों फकीरों और मोहताजों की मदद करना ठीक है यह बड़ा मकसद हुआ जक़ात का अब हम यहां पर यह देखेंगे कि करंसी की कीमत अगर हम चांदी से लगा रहे हैं तब क्या गरीबों की ज्यादा मदद होगी या अगर हम सोने से लगाएंगे तो गरीबों की ज्यादा मदद होगी क्योंकि जक़ात का मकसद है कई मकासद में से एक मकसद है गरीबों की मदद करना तो ये मकसद किससे ज्यादा हासिल हो रहा है जाहिर है शरीयत के जो अहकाम है उन अहकाम के मकासिद को हम मद्देनजर रखेंगे हर सूरत में तो ये मकसद गरीबों की मदद करने वाला मकसद चांदी से लगाने से ज्यादा पूरा होगा कि सोने से लगाने से होगा तो भी जाहिर भी है चालीस हजार में जकत निकल जाएगी अगर चांदी को पकड़ेंगे तो शायद मेरे भाई मेरी बात कंप्लीट कर ले प्लीज जी। तो मैं, मैं इसीलिए एक बात को कई कई बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि जक़त के मकासद में से मकसद है मुआसातुल फुकरा फकीरों की मदद करना अब हम इस मकसद को मद्देनजर रखते हुए ये देखेंगे कि चांदी से कीमत लगाएंगे तब फकीरों की ज्यादा मदद होगी या सोने से लगाएंगे तब होगी एक आदमी एक आम फहम का आदमी ये बता सकता है कि चांदी से कीमत लगाने में फकीरों का ज्यादा फायदा है उनकी मदद ज्यादा होगी क्योंकि आपके पास थोड़ी रकम होगी तभी वो निशाब को पहुंच जाएगी अगर सोने से निकालने जाएंगे तो जब ज्यादा रकम होगी तब निशाब को पहुंचेगी तब फकीरों को उसे मदद मिलेगी तो इसका मतलब चांदी से लगाने से फकीरों की ज्यादा मदद हो रही है ये फकीरों के हक में ज्यादा बेहतर है अब जी। यहां पर एतर आप आपने अभी जो दरमियान में पूछा वो एक दरअसल एक एतराज है कि तकरीबन चालीस पैंतालीस हजार रुपया अगर किसी के पास है तो उससे पांच सौ पंचानवे ग्राम चांदी मिल जाएगी तो क्या चालीस पैंतालीस हजार रुपए वाले आदमी को अमीर कहा जाएगा क्योंकि शरीयत ने तो कहा है कि गनी पर और अमीर पर जका तो वाजिब है तो क्या चालीस क्या चालीस पैंतालीस हजार वाले आदमी को अमीर कहा जाएगा ये एक सवाल है और एतराज भी है इसका जवाब यह है मैं आपसे इसका जवाब एक सवाल की शक्ल में करता हूं कि अगर किसी इंसान के पास पांच सौ पंचानवे ग्राम चांदी है मान लीजिए रुपया नहीं है चांदी है मेरे पास पांच सौ पंचानवे ग्राम चांदी है घर में रखी हुई है क्या मैं अमीर हूँ आप बताइए नहीं अमीर तो उतने पे तो अमीर नहीं होंगे तो क्या पांच सौ पंचानवे ग्राम चांदी वाले पर जकात वाजिब है कि नहीं वाजिब है वाज। आप वो तो चांदी चांदी है तो उस पर देना पड़ेगा क्योंकि है तो ना आ भाई भाई तो आप कह रहे हो अमीर नहीं हो इसका मतलब अमीरी और गरीबी का जो मैार है वो हमारी शरीय तय करेगी हम नहीं तय करेंगे आज के जमाने में पांच ग्राम चांदी वाले को इस जमाने में बहुत अमीर नहीं कहा जाएगा मामूली सी चीज है वो तो जब आप पांच ग्राम वाले आदमी को अमीर कह सकते हो तो 40 पैंतालीस हजार वाले को अमीर कहने में क्या दिक्कत है या तो फिर आप वहां पर भी कहो कि वो अमीर नहीं है वहां पर तो आप कह रहे हो उस पर जखात और आप फर्क नहीं कर सकते करेंसी में रुपए में और चांदी में फर्क नहीं कर सकते क्योंकि आप पहले ही मान चुके हैं कि रुपया चांदी के कायम मकाम है सोने के कायम मकाम है तो आप यहां पर अगर फर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब रुपए को आप दूसरी निगाह से देख रहे हैं यानी अगर कोई चालीस पैंतालीस हजार वाला आदमी है तो उसको दूसरी निगाह से देख रहे हैं पांच सौ पंचानवे ग्राम चांदी वाला आदमी है तो उसको दूसरे ऐसे से देख रहे हैं तो ये तो तजाद है जी, 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 जी। जी, और, जी, जी, जी। और इसमें एक 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 मसला इसी के ताल्लुक से था कि शेक के वो बोल रहे कि जैसा थोड़ा कैश है और थोड़ा सोना है तो बोले उसको अगर मिलाएंगे तो बोले नहीं मिला सकते क्योंकि दोनों की जीन्स अलग है आ, मेरे भाई अगर जीन्स अलग मान लेंगे ना तो रुपए पर जक़ात वाजी भी नहीं होगी हाँ। पहले तो पहले तो फतवा दे रहा पहले खुद ही शेख के मकान के अपने इमाम है मतलब यहाँ के तो भाई, भाई मेरे इससे है। जो है ना बहुत बड़ा एतराज आएगा उसका जवाब देते देते आप और आपके अमाम साहब थक जाओगे अगर कहोगे रुपए की जिन्स अलग है तो रुपए की जी सोना चांदी ही है अच्छा हाँ अभी तो पहला पहली बात में ही मेंजाद हो गया ना आपकी पहली बात क्या कहा था आपने जब बात की इब्तदा हुई तो आपने यही ऐतराज पेश किया ना कि भाई रुपये को चांदी पर गिना जाए या सोने पर और क्योंकि वो बोले थे सोने का सोने का है चांदी का कायम मकाम नहीं है सोने का कायम मकाम ऐसा बोले नहीं दोनों का है दोनों का कायम मकाम है और वही जिन्स है उसकी जिन्स है समनियत यानी कीमत होना किसी चीज की तो शेख सोने में इसको कैश को मिला सकते हैं मिला सकते नहीं है जरूरी है मिलाना